मोहल्ले से गुजर रही है और हमने मुझे खून खाले आप लोगों से गुजारिश
मजबूत कीजिएगा।
पास होगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, रहेगी दास्तों से तुम्हारी दास्तानों में। वार्ड नंबर 27 अकबर दास डिवीजन के मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार आपके हर मसले को लम्हे में हल कर देगा। इस्तेमाल करना है वोट का, इस्तेमाल एक मुकद्दस फरीजा है, सही कायद का इंतखाब अपने सियासी शऊर का सबूत देना है। मजलिस बचाओ तहरीक ने अमजदुल्ला खान खालिद से अक्सर बाग डिवीजन से आज टेलीविजन है 2 फरवरी के दिन सुबह 7 बजे आपको जो है अपने बूथों की तरफ जाना होगा और अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। मजलिस बचाओ तहरीक के कायद अमजदुल्ला खान खालिद ने जो आजमपुरा डिवीजन के कारपोरेटर की है, आज सारे हैदराबाद के अंदर 150 कारपोरेटर के अंदर एक कारपोरेटर अमजदुल्ला खान था, जब तक 150 कारपोरेटर के अंदर जाओ आजमपुरी के अंदर जाके देखो लाइट के मीटर वहां पर बाहर नजर नहीं आएंगे, लेकिन शहर हैदराबाद के हर डिवीजन के अंदर लाइट के इलेक्ट्रिकल मीटर बाहर नजर आते हैं। जरा गौर और फिक्र करो, आखिर क्या बात है कि आजमपुरी के अंदर एक भी लाइट का मीटर बाहर नहीं और सारे हलकों के अंदर लाइट के मीटर बाहर क्यों है? उसकी वजह एक ही है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ क़यादत का फर्क और बिकाऊ क़यादत में और नहीं बिकने वाली क़यादत के अंदर क्या फर्क होता है। यही फर्क है कि जब लाइट वाले मीटर लगाने के लिए दूसरे डिवीजनों में आए शहर हैदराबाद के अंदर तो लोग क़यादत के पास गए, कारपोरेटर के पास गए, उनको जवाब यही दिया गया कि हम क्या करें, कोर्ट का आर्डर है कह के जो है खामोश बैठ गए। लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर लाखों रुपए लाइट वालों से खाए और उसके बाद एक लाइट का मीटर लगाने के लिए 4,500 रुपए सैंक्शन हुए, लेकिन जो है 1200 से 1500 का खर्चा आया और उसके बाद बाकी के पैसों का बंटवारा हुआ। तो शहर हैदराबाद के अंदर कई लाखों मीटर लगाए गए, उसी तरीके से जो है कितने करोड़ों रुपए का स्कैंडल नहीं हुआ। आजमपुरा डिवीजन के अंदर भी लाइट वाले आए पैसे लेकर,
और इसी तरीके से हमने उनको पैसों को उनके मुंह पे मारा और आवाम की सहूलत हमने देखी। उसके बाद हमने कहा कि कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है हमें बताओ, तो वहां पर कोर्ट का ऑर्डर कुछ नहीं था, ना जियो था, ना जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई जियो पास हुआ था हुकूमत की जानेब से। ये सिर्फ एक धांधली का काम था, कौम को परेशान करना, लोगों को परेशान करना। यही वजह थी कि अमजदुल्लाह खालिद वहां बिका नहीं, और तहरीक तो वो जमात है जो आवाम के जो सहूलत होती है वो कानून का साथ देती है, जो आवाम को तकलीफ जो कानून होता है वो तकलीफ जो कानून की जो है ना तहरीक मुखालिफत करती है, उसका खुला सबूत ये है। तो आपको गौर फिक्र करना है कि हम अकबर बाग डिवीजन के नुमाइंदे की हैसियत से, अमजदुल्लाह खालिद आपके उम्मीदवार की हैसियत से आपके दरमियान है, कई जमातें आएगी आपके दरमियान में मिल्लत के नाम के ऊपर, इत्तेहाद के नाम के ऊपर वोट की भीख मांगने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मिल्लत और इत्तेहाद की दुहाई देने वाले, आलेर के अंदर एनकाउंटर हुआ 5 नौजवानों का, और उस वक्त जो है ना ये क्यादत कहाँ थी, 1 MP, 7 MLA और 40 कारपोरेटर वाली क्यादत खामोश बैठी हुई थी। आज TRS कहती है कि हम जो है ना पब्लिक की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी नजर के अंदर ये हमारे बच्चों का कातिल है कि चंद्रशेखर राव जो है जिसने हमारे 5 नौजवानों का कत्ल किया, और उसके बाद मुस्लिम क्यादत भी खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक दलित नौजवान के साथ ना इंसाफी होती है, रोहित ने खुदकशी करके जो है ना सबूत फराहम किया कि इंसाफ के लिए जो है ना खुदकशी की, तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वहां जाते हैं और उसकी माँ को पुरसा देते हैं, लेकिन कलमे की बुनियाद के ऊपर विखार का के घर को पुरसा देने के लिए नहीं जाते, डॉक्टर हनीफ के घर को पुरसा देने के लिए नहीं जाते, जुनैद के घर को पुरसा देने के लिए नहीं जाते, और तो और फिर किसने एहतजाज किया, एक तहरीक ही थी शहर दक्कन के अंदर जिसने उन मजलूम मुसलमानों के खिलाफ में जो शहीद कर दिया गया उसके खिलाफ में एहतजाज किया। और तो और हमने महाराष्ट्र की सरजमीन से तड़पता हुआ दिल लेने रखने वाले अबू आसिम आजमी को शहर हैदराबाद को मधु किया, और वो आए आने के बाद हम उनके घरों को गए, उनके लवाकीन को पुरसा दिया, हर एक के घर में 3-3 लाख रुपए तहरीक ने उनको भोजन उनके खानदान की कफालत के लिए दिलवाए। आज मिल्लत के हजारों करोड़ रुपए जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है, जो देव असद और अकबर की जाती जायदाद में तब्दील हो गए। एक एक मेडिकल कॉलेज की सीट 50-50 लाख रुपए में बेची गई, एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट 25-25 लाख रुपए में बेची गई, साल से सालाना 150 लाख, और 150 जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज के 25-25 लाख का हिसाब डालिए, हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए, किधर है। यही तो इख्तलाफ हम करते हैं मिल्लत के जो है ना मजलूमों के लिए, मिल्लत के बच्चों की तालीम के लिए, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए, वसातों को इस्तेमाल करने के लिए हम आवाज उठाते हैं, तो हमको कहा जाता है कि हम मिल्लत में इंतशार पैदा करते हैं। और यही बात है, तो आपको गौर फिक्र करना होगा, MP उनका है, MLA उनका है, तो तहरीक का एक कारपोरेटर अगर रहेगा तो फिर आपके मसाइल हल होंगे। तो मैदान में दो घोड़े दौड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लूला कौन सा है, लंगड़ा घोड़ा कौन सा है, और खिदमत का जज्बा रखने वाला जो है ना कौन है, आपको अंदाजा होगा। ये अमानुल्लाह खान का बेटा है अमजदुल्लाह खान, जिस तरीके से अमानुल्लाह खान ने मिल्ली खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी को वक्फ किया, चंद्रायन बिट्टे 22 साल MLA की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे, और जंगलों को बियाबानों को आबाद किया, अमानुल्लाह खान ने बेघरों को घर जमीनें अता की, 3-3 शोभा में 80-80 गज के प्लाट तकसीम किए और डेवलपमेंट किया, जिसकी सबक जो है ना हाफिज बाबा नगर बसा, गुलशन इकबाल कॉलोनी बसी, रियासत नगर बसा, मोइन बाग बसा, और उसी तरीके से तालाब कट्टे के अंदर जो है ना गुलामान रसूल को बसाया गया। यही वजह थी कि आज हमारी आबादी वोटर लिस्ट में बड़ी, जिसके सबब मजलिस का रुकन पार्लियामेंट मुंतकल हुआ। ये अमानुल्लाह खान का कारनामा था। ये क्या जानते हैं आज खाली मिल्लत के सामने इत्तेहाद इत्तेहाद की दुहाई देने वाले। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद राबेता कमेटी जब काम कर रही थी तो उस राबेता कमेटी में दरार किसने डाला, एक्शन कमेटी कौन बनाए, और एक्शन कमेटी के नाम के ऊपर जो है बाबरी मस्जिद की शहादत की राह हमवार किसने की, मैं पूछना चाहता हूँ। यही वजह है आज इत्तेहाद की दुहाई देने वाले जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई और मिल्लत के नौजवान निकलकर आए बिस्तर चौरस्ते के ऊपर जो है ना नमाज पढ़े पाया, उनको जो है ना गिरफ्तार करवाने के बाद में यही मोहल्ले के अकबर बाग के बच्चे थे
जिनको टाडा के तहत गिरफ्तार करवाया गया। करवाने के बाद में जब लोग आए तो कहा, जवाब दिया गया अखबार के जरिए से, कल जो नमाज पढ़े उनका ताल्लुक मजलिस से नहीं है, कहकर जवाब दिया गया। जब नमाज पढ़ने वालों का ताल्लुक मजलिस से नहीं था और सवाल ये हुकूमत से नहीं किया मजलिस की क्यादत ने, आखिर क्या उनके पास AK-47 था, AK-56 थी, क्या ये टाडा स्ट्रीट था, क्या ये दहशत गर्द थे जो इनको टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया। 15 साल तक अदालत की चक्करें काटते रहे, पुलिस के जुल्म फैते रहे वो नौजवान, आकर कहीं जाकर 20 साल के बाद जो है ना हुकूमत ने, अदालत ने जो है ना उनके ताइद के अंदर जो है ना फैसला दिया। इसी तरीके से मजालिम होते रहे। हम पूछते हैं मिल्लत के लिए तुमने क्या किया, आज खड़े होकर फसादी बात करना, RSS को गाली देना, विश्व हिंदू परिषद को गाली देना, मोदी को गाली देना और गैर मुस्लिमों के हिंदुओं के भगवानों को, उनकी माताओं को गाली गलौज करना, और फिर मुसलमान ये समझते हैं कि हमारा लीडर कितना बहादुर है, कैसी जबरदस्त तकरीर कर रहा है। लेकिन कुरान के अहकाम क्या है, मुसलमानों की क़यादत पे जानना चाहिए कुरान क्या कहता है। ला तुफ्सिदू फिल अर्ज़ी, अल्लाह की सरजमीन पर फसाद बर्पा मत करो। यही वजह है तहरीक मैदान सियासत में है, लेकिन तहरीक की सियासत कुरान के ताबे है और तहरीक का मकसद एलाए कलिमातुल हक है। यही वजह है हम अमानुल्लाह खान कभी भी हिंदू और मुसलमानों में तफरका नहीं किए, बल्कि अगर माथे पे टीका लगाकर कोई खान साहब के पास भी आता और मालूम होता खान साहब को इसने जो है ना इलेक्शन में खान साहब की मुखालिफत किया और बीजेपी का काम किया, उसके बावजूद खान साहब ने कभी अपनी जबान से नहीं कहा कि तूने मेरी मुखालिफत किया, तू हिंदू है तो बीजेपी का कारकुन है, मैं तेरा काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहा। लेकिन खान साहब ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना गुलाम की हैसियत से इंसानियत की खिदमत किया, उसी नक्शे कदम पर आज तहरीक चल रही है, उसी नक्शे कदम पर अमजदुल्लाह का खालिद भी काम करता है, इंसानियत की खिदमत करता है। और जहाँ भी जुल्म होता है तो खालिद वहाँ पहुँचाता है, चाहे वो निजामबाद की सरजमीन के अंदर निजामबाद के पुलिस स्टेशन में शेख हैदर का कत्ल होता है लाकत में, तो आवाज कहाँ से आती है, दारो सलाम से कभी आवाज नहीं उठी, आवाज उठी तो तहरीक के उस दफ्तर से उठी। जब बारिश होती है तो तहरीक के दफ्तर में तबके बारिश से जो है ना पानी जो है टपकता है, तो तहरीक की क्यादत अपनी जो है ना उस बारिश से बचने के लिए अपनी कुर्सियों को हटाती है और झोपड़ी वाले दफ्तर से मिल्लत मजलूम के लिए इंसानियत के जुल्म के खिलाफ में आवाज उठती है। ये तहरीक का कारनामा होता है। कहीं नसीम बानो अपने बेटे की गुमशुदगी के बारे में एहतजाज करती है और निजामबाद की पुलिस उसका साथ नहीं देती है तो नसीम बानो जो है ना खुदकशी करके जो है ना मर जाती है, तो आवाज किसने उठाया, यही तहरीक थी, तहरीक ने आवाज उठाया, अमजदुल्लाह खान खालिद ने आवाज उठाया। और यही वजह है कि आज अमजदुल्लाह खान खालिद की आवाज को बंद करने के लिए, आवाज को खत्म करने के लिए, अवामी नुमाइंदगी खत्म करने के लिए ये साजिशें रचाई गई। आजमपुरा हल्के को लेडीज रिजर्व करके समझ रहे थे कि तहरीक का अब अमजदुल्लाह खान की आवाज नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला तहरीक ने 27 से 28 उम्मीदवार मैदान में उतारा है, आने वाला मेयर तहरीक के ताउन के बगैर जो है ना मुनक्किद नहीं होगा। तहरीक के जो है ना कम से कम 12 से 15 कारपोरेटर जो है ना काउंसिल को जाएंगे और कारपोरेटर्स की जो है ना क्यादत अमजदुल्लाह का इंशाअल्लाह ताला करेगा वहां पर काउंसिल के अंदर जो है। अजीजान मोहतरम, ये मजलिस की क्यादत के खिलाफ में हम इसीलिए आवाज उठाते हैं, हमारा कोई जाती झगड़ा नहीं है असद से ना अकबर से, बल्कि झगड़ा है तो मिल्लत मजलूम के हुकूक की हक तलफी हो रही है, मिल्लत मजलूम के जो है ना हजारों करोड़ रुपए जो है जो अपनी जाती जायदाद में तब्दील किए। इत्तेहाद इत्तेहाद की दुआई देने वाले, मिल्लत का जो है ना डंडोरा पीटने वाले, जमात का वास्ता देने वाले, मजलिस बचाओ तहरीक इसीलिए कायम किया। बताओ अमानुल्लाह खान 27 साल तक मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से एक अदना सिपाही की हैसियत से खदमात अंजाम देते आए, लेकिन अमानुल्लाह खान को आज तक नहीं बता सके कि किस कसूर की वजह से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से निकाला गया। अमानुल्लाह खान ने दारो सलाम की छत के नीचे एहतजाज किया, बाबरी मस्जिद की शहादत के ऊपर मस्जिद की अक्सर तामीर के लिए जो है ना सदा एहतजाज बुलंद किया, तो ये बीत चुके थे। और आज हमको जो है ना छोटी बीजेपी कहने वाले
बीजेपी के एजेंट कहने वाले, आज सारा हिंदुस्तान का मीडिया इनको कहता है कि जो है ना ओवैसी बिरादर बीजेपी के एजेंट है, और बीजेपी के एजेंट बनकर जो है मिल्लत इस्लामिया को कभी कांग्रेस के जो है ना बाजार में बेचा करते थे, और आज कांग्रेस अख्तदार में नहीं है तो जो है आज बीजेपी के साथ साजबाज करके जो है मिल्लत इस्लामिया को रुसवा करते हैं। इनकी ये फिरका परस्ताना तकारीर होती रही हमेशा, और जो है ना फसादी गुफ्तगू करके इधर जो है ना मुसलमानों में खड़े होकर हिंदुओं को गाली देना और उनकी तंजीमों को गाली देना, और उसके बाद जो है ना कुरान के अहकाम की मुखालिफत में गुफ्तगू करते रहे, जबकि कुरान ये ऐलान कर रहा था ला तसब्बहु इल्लल्लज़ीना मिन दुनिल्लाही ला यसब्बुहुल्लाह अदवा मिन गैरिन, तो उनके माबूदों को बुरा भला मत कहो जिसकी वो परस्तिश करते हैं, कहीं पलट के वो तुम्हारे हकीकी खुदा को बुरा ना बोले। लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये फसादी तकरीरें करके मासूम हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर जो है अपना वोट बैंक क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन तहरीक इनकी साजिशों को बेनकाब करके मिल्लत में शऊर को बेदार करती है और हमेशा आपको आगाह करती रही है कि ये वो मले मुनाफिक आजम है जो मिल्लत के अंदर इंतशार पैदा करते हैं। आज मिल्लत के हजारों करोड़ रुपए हैं इनके पास, और ये कहते हैं कि तहरीक ने जो है ना कौन सा कारनामा किया मिल्लत के लिए, क्या एक टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट भी कायम किया? तो हम पूछना चाहते हैं, तुम जो बीचों बीच आरएसएस को गाली देते हैं, क्या तुमने क्या किया? आरएसएस के आज हिंदुस्तान में 50 लाख शिशु मंदिरें चलती है जहां उनकी कौम के बच्चों को जो है ना बुनियादी तालीम जो है ना दी जाती है और 10वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन मिलता है। बताओ आज मजलिस के आज हजारों करोड़ रुपए हैं तो किराए के मकान में बेगम मंजिल में हैदर गुले के अंदर किराए के मकान में रहने वाले आज उनकी औलाद के जो है ना हजारों करोड़ रुपए के असासे कहां से आए? शास्त्रीपुरम के अंदर 80 करोड़ का जो है ना महल असदुद्दीन का तैयार हो रहा है, तो हिमायत सागर में जल महल के नाम पर अकबरुद्दीन अवेसी का जो है ना करोड़ों रुपए का महल है, बंजारा हिल के अंदर इनकी जिंदगी गुजरती है। ये जो है ना मुसलमान जो 40 साल पहले जो है मंडी ढकलता था रक्षा खींचता था, आज इसकी मईशत में कोई सुधार नहीं आया, उसका पोतरा भी आज मंडी ढकलता है, लेकिन मिल्लत के नाम पर इत्तेहाद के नाम पर आज हजारों करोड़ रुपए के मालिक बन के बैठे हैं और मिल्लत में इंतजार पैदा कर रहे हैं। यह आपको मैं बताना चाहता हूँ, दारुसलाम की एक एक कंकर का मालिक हर हैदराबाद का मुसलमान है, और दारुसलाम जिसकी बुनियाद हजरत कायदे मिल्लत जंगल रहमान है खान खबरुद्दीन खान से खरीद कर जो है मिल्लत के नाम से हिबा किया था, मोहम्मद अलस जिसका जो है ना हयान की कर्जो कायद और बुनियादी रसबुलैन मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में इत्तेहाद पैदा करना था जिसकी वजह से तहादुल बैनुल मुस्लिमीन का एक नाकाबिले तस्कीर किला बना दिया गया था। आज मजलिस के प्लेटफॉर्म पर इंतशार का पैगाम दिया जाता है, आज मिल्लत को बांटा जाता है अकायद मसलकों और फ़िरक़ों की बुनियाद के ऊपर, कभी हिंदू मुसलमान की बुनियाद के ऊपर बांटा जाता है। ये साजिशों को हम बेनकाब करते हैं, और अमानुल्लाह खान साहब ने अपनी तमाम तर जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए किया था। अगर अमानुल्लाह खान भी के पास भी जो है ना ऐसी नोट कमा के रखते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो हम भी जो है ना इलेक्शनों में करोड़ों रुपए बांट कर इख्तदार हासिल करते। आज हमारे पास हमने सिर्फ कौम की खिदमत किया और खिदमत करते हुए अपनी आखिरी सांस तक अपनी जुद्दोजहद को जो है ना खत्म कर देंगे। ये इंतखाबात आते हैं और जाते हैं, लेकिन आपको फैसला करना है कि आपकी बस्ती के अंदर जो है डेवलपमेंट चाहिए या फिर कचरे के अंबार चाहिए, तो आपको फैसला करना होगा। जाओ आजमपुरा डिवीजन के अंदर कैसी साफ सफाई का इंतजाम होता है, पानी की तकलीफ नहीं खत्म की गई, लाइट की तकलीफ को जो है ना खत्म किया गया, और उसी तरीके से नौजवानों के अंदर खेल कूद के लिए जिम्नेजियम का सामान तकसीम होता रहा, नौजवानों में क्रिकेट की सलाहियतों को उजागर करने के लिए क्रिकेट के सामान तकसीम किए गए, कभी जो है हर किस्म के जो स्कीमात हुकूमत की जानिब से आते रहे उससे कौम को मुस्तफिद कराते रहे। यही वजह है कि वह आज हम आपके सामने गुजारिश करते हैं, मिन्नत करते हैं कि जो है आप मजलिस बचाओ तहरीक के निशान टीवी के निशान के ऊपर सुबह 7 बजे 2 तारीख के दिन जाकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। एमपी उनका है, एमएलए उनका है, अगर एक कारपोरेटर तहरीक का बनेगा तो फिर जो है ना जिद्दोजहद जारी रहेगी, वो भी दौड़ते रहेंगे सबक लेने के लिए, और आपका काम होता रहेगा।
अगर जरी सी आप गफलत करेंगे और फिर जमात या इत्तेहाद के जो है ना चक्कर में आ जाएंगे, तो फिर याद रखो कि आपकी बस्ती के अंदर वही लैंड ग्रैबर जीत के आएगा और फिर लोगों को परेशान किया जाएगा। आधार कार्ड के नाम पे, राशन कार्ड के नाम पे आपके पैसे बटोरे जाएंगे, खाली प्लाटों के ऊपर कब्जे की नजर रहेगी और उस तरीके से कोई घर की तामीर करेगा तो उनसे जो है ना परेशान करके जो है उससे पैसे हासिल किए जाएंगे। अगर वो नहीं देने की बात करेगा तो जो है ना फिर उसको बल्दिया के जरिए से परेशान किया जाता रहेगा या तो फिर किसी और जराये से आपको परेशान करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप इन जालिमों से जो है ना छुटकारा पाना चाहते हैं, फिरौनों से फिरौनियत को खत्म करना चाहते हैं, तो तहरीक के जो है ना उम्मीदवार, जियाला उम्मीदवार, बेबाक उम्मीदवार, शजी और बहादुर उम्मीदवार हैं। अमानुल्लाह खान जिस तरीके से शजी और बहादुर थे, रात की सियाही में कभी आजमाइश के तौर पर गलीपुरे के हिंदू भाइयों ने बुलाया तो अमानुल्लाह खान ने कभी अपनी जान को जो है परवाह नहीं किया, बल्कि वहां पर पहुंचे और उनको अचंभे में रख दिया। और इस तरीके से कच्चे फसादात के अंदर जो है ना कौन हमारे बच्चों का तहफ्फुज करते हैं, आपको ये भी सोच देखना पड़ेगा। इस तरीके से अमजदुल्लाह खान को जो है ना तहरीक ने आपके उम्मीदवार की शक्ल में पेश किया है। सदारा आप जरूर से गफलत ना करें, पोलिंग के दिन इनकी कोशिशें यही है कि इनके पास आईडी कार्ड प्रिंट करने के जो है ना छापने के मशीन तक ये लोग तैयार कर चुके हैं, जिसके जरिए से आपकी घर की औरतों को जो है ना आईडी कार्ड तैयार करके रखे हैं और अजलाओं से महाराष्ट्र से और दीगर रियासतों से लोगों को बुलाया गया है ताकि अगर आप देर करेंगे वोट डालने के लिए तो ये वो औरतों के जरिए से नकाब लगाकर जो है वो आईडी कार्ड देकर दूसरे औरतों के जरिए का वोट जो है ना चलवा देंगे। फिर आपको यही कहना पड़ेगा अरे हम गए थे वोट डालने के लिए, हमारा वोट पड़ गया, कते बोलना पड़ेगा। इसलिए सारे हिंदुस्तान में तब्दीली आ रही है, उसी तरीके से जिस तरीके दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी थी और दीगर जमातें भी थी, कांग्रेस भी थी, उनके पास मरकज में इख्तदार भी था, दौलत भी थी, उसके बावजूद जो है जनता है जो अकबरबाग म्युनिसिपल डिवीजन का है और चंचलगुड़ा खल्ले में एक जलसा है। कल सुबह में 10 बजे से आदमपुरा डिवीजन की बाइक रैली है, मंजली इम्बिटी ऑफिस चंचलगुड़े से बाइक रैली है और कल दिन के 2 जलसे है, एक दिन में 2 बजे से लेके 5 बजे तक ही अकबरबाग चौरस्ते से वो आगे ये रोड पे परमिशन दिया गया है और एक आपके आजमपुरा चमन में 2 जलसे है जो तहरीक कायदीन और उम्मीदवार आजमपुरा उम्मीदवार अकबरबाग मुखातिब करेंगे। अभी 1 घंटा परमिशन है, रैली फिरते रहेंगी, आप लोग तमाम टाउन करिए, हमारे मूसा भाई साहब आपसे मुखातिब करेंगे। थोड़ा एरिया जो जीवन यार्जन कॉलोनी का एक इंतखाबी रैली है अमजदुल्लाह खान की ताइब में निकाली जा रही है। अमजदुल्लाह खान खालिद कोई तारीफ के मोहताज नहीं है, सारा हैदराबाद नहीं बल्कि सारा तेलंगाना, सारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह उनकी एक पहचान है और उनके लिए एक स्लोगान है। मैं चाहता हूं कि आप सारे नौजवान मेरे साथ आवाज दें, आप तैयार हैं? अमजदुल्लाह खान सबकी जुबान पे सिकंदर वाला